गाइस तो आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक और अमेजिंग सा एप्लीकेशन लेकर। एंड गाइस यार पिछले बार मैंने दिया था ब्लूस्टैक 5 का एप्लीकेशन, जो कि यार एंड्रॉयड में ही पीसी जैसा सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। एंड गाइस आप लोगों ने काफी इसको पसंद किया। एंड आज का भी एप्लीकेशन कुछ सिमिलर टाइप का ही है, एंड इसको यूज करना है आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यार कि ये वाला एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड उसी के साथ साथ इसका डाउनलोड कैसे करना है उसका प्रोसेस भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों को सब कुछ फॉलो कर लेना है। एंड इसको जैसे डाउनलोड करोगे उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। गाइस तो आप लोग इसको जैसे ही ओपन करोगे ना तो आप लोग का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे सबसे पहले गाइस गेम बूस्टर को आप लोग इनेबल कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन वगैरह लैग करता है ना तो वो लैग नहीं करेगा। एंड यहाँ पे गाइस इसको ऑन करने के बाद आपको नीचे गेम मास्टर पे आना है, एंड सभी को टिक कर देना, ठीक है, सभी को टिक कर देना जैसे मैंने कर रखा है। एंड यहाँ पे DPI वाले पे अगर बात करें तो यहाँ पे गाइस आपको ज़्यादा DPI नहीं रखना है, 720 या 860 तक जाना, उससे ऊपर मत जाना, ओके। एंड इसको करने के बाद गाइस आप लोग नीचे सेंसिटिविटी को 100 कर लेना, एंड जो नीचे वाला उसको 200 तक ही रखना, ज़्यादा रखोगे तो फिर आपका कंट्रोल नहीं होगा, ओके 200 के लगभग में रख देना। एंड इसको करने के बाद नीचे टोक्यो पारा एडवेंचर वाला ऑप्शन जो है ना, इसको जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऐड आएगा, उसको आप लोग रिमूव कर देना। एंड इसको स्किप करने के बाद गाइस आप लोग को सिंपली यहाँ पे चले जाना होगा गेम बूस्टर वाले सेक्शन पे। एंड यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे भी आप लोग अपने तरीके से एडवांस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आप लोग 30 FPS 60 FPS पे स्विच कर सकते हो, तो 60 FPS पे ज़्यादा स्मूथ होगा गेम प्ले। एंड इसको करने के बाद या फिर लैग करता है तो 30 पे रखना। एंड इसको करने के बाद आप लोग को उसके बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बाकी सब जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देना। एंड नीचे वाला आपको आप लोग मैक्स कर सकते हो, लेकिन इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा या आधा या आधा से थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि यार ऐसे फिर आपका कंट्रोल नहीं होगा, फिर आपका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओके। एंड इसको करने के बाद अब आप लोग को सही पे क्लिक करना है। एंड इसको करने के बाद यहाँ पे FF मैक्स या FF नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हो, दोनों में से दोनों पे वर्किंग है, लेकिन यार फ्री फायर मैक्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, तो आप लोग प्लीज फ्री फायर मैक्स पे मैं प्रीफर करूँगा, ओके। एंड इसको जैसे ही ओपन करोगे आपका सेटिंग अप्लाई हो जाएगा एंड ये गेम ओपन हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसके यूज करने के बाद। तो चलिए गाइस आप लोग इन्जॉय करो एंड अपना गेम प्ले में यार आप लोग इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।